ज़्यादातर महिलाओं की यही परेशानी रहती है कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इलाज नहीं करा सकते, या फिर हमने बहुत इलाज करा लिया, हमारे पैसे अब ख़त्म हो गए हैं। कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताएं जिसमें कि पैसे ना लगाने पड़े, जिससे कि हम नेचुरली कंसीव कर सके। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसी थेरेपी शेयर करने वाला हूँ जो कि पूरी तरीके से नेचुरल है, एक रुपये का कोई खर्चा नहीं लगेगा इसमें आपका, और आपको इसमें कुछ भी खास करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ एक टाइमिंग है, कुछ एक नियम है जिनको आपको फॉलो करना है, और यकीन मानिए रिज़ल्ट आपको पहले महीने में दिख जाएगा। और इतनी ज़्यादा असरदार है कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करके रिज़ल्ट भी उनको मिल रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सअप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है, जब भी हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो ये उसके लिए संकेत देता है, सिग्नल देता है, बस हम उसको समझ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई बीमारी या कोई परेशानी हो भी जाती है तो ये खुद ब खुद उसको ठीक भी कर सकता है, लेकिन इस चीज़ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आपको पता है कि जो भी आप एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो वो क्या काम करती है? वो सिर्फ इतना काम करती है कि जो बैक्टीरिया या वायरस है उसको आगे बढ़ने से रोकती है। बाकी जो बॉडी को हील करने का काम है, चोट को ठीक करने का, बीमारी को ठीक करने का काम है, वो शरीर खुद ब खुद करता है। और ये काम होता है तब जब हम गहरी नींद में सोते हैं, यानी कि रात के समय, क्योंकि उस दौरान हमारी बॉडी से कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स मोड में होती है, तो वो अच्छे से रिकवर कर पाती है। अब बहुत सारी गलतियाँ ये होती है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी जो है बीमारियों को ठीक नहीं कर पाती है, हमारी रिकवरी नहीं हो पाती है। हम महंगी से महंगी दवाइयाँ सप्लीमेंट लेते हैं लेकिन हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। तो आज मैं आपको जो नियम बताने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको ये जो प्रोसेस है आपका अच्छा हो जाएगा, रिज़ल्ट आपको पहले दूसरे दिन से दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है इसमें हमें 24 घंटे में से 16 घंटे की फास्टिंग रखनी होती है, यानी कि सिर्फ 8 घंटे में ही हमें खाना पीना होता है, बाकी के जो 16 घंटे हैं इनमें हमें खाना पीना बंद करना होता है, जिससे कि हमारी बॉडी रिलैक्स मोड में रहती है, वो खुद को हील कर पाती है, डिटॉक्स कर पाती है। अब इस दौरान हमारी बॉडी में जो भी बीमारियाँ हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उनको हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो खुद ब खुद खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को चलने के लिए, सेल्स को काम करने के लिए ज़रूरत होती है फ्यूल की। फ्यूल मतलब जो भी हम खाते पीते हैं, और ऐसे में जब हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए वो हमारी बॉडी में फ़ैट को इस्तेमाल करती है। उसके अलावा जो हमारी बॉडी में जो सेल्स के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको इस्तेमाल करती है, उनको खा करके अपनी एनर्जी को पूरा करती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी बीमारियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो खुद ब खुद हील होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। टाइमिंग क्या है चलिए वो भी जानते हैं। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इसका जो सही समय है वो है शाम के 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 11 बजे तक का। यानी कि जो आपका शाम का या फिर जो आपका रात का खाना है वो आपको लेट नाइट नहीं खाना है, वो आपको शाम को 7 बजे खा लेना है। उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए आप 10 बजे या 11 बजे सोते हैं, तो 7 बजे जब आपने डिनर कर लिया तो आपके पास 3 से 4 घंटे बचते हैं खाने को डाइजेस्ट होने के लिए। इस दौरान खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप सोने जाते हैं तो आप बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होगा वो ये कि आपको एक अच्छी नींद आएगी, क्योंकि रात को जब हम देर से खाना खाते हैं, ऊपर से हम भर पेट खा लेते हैं, अपनी पसंद में कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उसको हमारी जो बॉडी है पूरी रात उसको डाइजेस्ट करने में ही लग जाती है, बाकी का काम नहीं कर पाती है जो कि उसको करना चाहिए। तो ऐसे में जब हम समय से खाना खा लेंगे, वो समय से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो हमारी बॉडी को पूरा टाइम मिल जाएगा रिकवरी करने के लिए, बॉडी को हील करने के लिए। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप इस तरीके से फॉलो करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को,
तो हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो बूस्ट होते हैं। अगर हम इनफर्टिलिटी केसेस की बात करें तो महिलाओं में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड, ये सारे हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जिससे कि उनके स्पर्म काउंट, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है, उनके अंदर लिबिडो इंक्रीज होता है, उनका काम में मन लगता है, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक इसी तरीके से महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश महसूस करती हैं, तो इसका फ़ायदा ये भी है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारी महिलाएं या फिर पुरुष जो मोटापे से परेशान हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं लेकिन उनका फ़ैट लॉस नहीं हो रहा है, वो वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग गलत है। टाइमिंग गलत क्या है कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि लेट नाइट खाना आपको नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि रात का खाना छोड़ देते हैं। देखिए, रात का खाना आपको नहीं छोड़ना है, रात का खाना आपको खाना है, बस थोड़ा सा टाइमिंग चेंज कर देनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, शाम को 7 बजे तक आपको खाना खा लेना है, इसके बाद आपको सोना है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपका जो फैट लॉस है वो भी आप देखेंगे बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। अगला फ़ायदा है स्किन की प्रॉब्लम में। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम रहती है, स्किन एलर्जी है या फिर स्किन पे रिंकल्स पड़ने लगे हैं या फिर किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपको काफ़ी तेज़ी से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, तेज़ी से आपको इसमें फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जब आप इसको फॉलो करना शुरू करेंगे, तो शुरुआत में तो मैं आपको 1 महीने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको फॉलो करेंगे आपको रिज़ल्ट दिखेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आप इसको लाइफ टाइम फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको लाइफ टाइम से फॉलो कर भी रहे हैं और उनको इसका काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिला और वो दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं कि आप इसको करें। और इंटरमिटेंट फास्टिंग आज से नहीं है, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हज़ारों साल पहले से ये चीज़ चली आ रही है, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे नॉलेज हो रही है वैसे वैसे लोग इसको फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं या फिर PCOD के जो पेशेंट हैं, जिनके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंट की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्योंकि क्या होता है कि रात के समय में जो भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे कि चावल है, रोटी है, ये सारी चीज़ें हमारी जो इंडियन डाइट में होती है, जब आप डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद आप सो जाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है। इससे क्या होगा कि बॉडी में एक तो शुगर बढ़ जाती है, दूसरा कि फ़ैट में कन्वर्ट होने लगता है। इससे क्या होता है कि एक तो आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, PCOD की प्रॉब्लम भी और ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ ही साथ मोटापा भी बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपके PCOD, PCOS, स्किन की प्रॉब्लम, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम या फिर बॉडी में किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यकीन मानिए हज़ारों तरह की समस्याओं में इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको आज से ही शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।